नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फार्मेसी एक्सप्रेस इंडिया चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंडीशन जो कि बहुत ही प्रोमिनेंटली एंड बहुत ही रेयर कंडीशन है और बहुत ही कम पेशेंट्स को ही होती है, लेकिन होती ज़रूर है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, टॉपिक का नाम है पैरालिसिस। पैरालिसिस की जो कंडीशन है, जिसको कि हम एक तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पेशेंट दौड़ नहीं पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा, या तो बात नहीं कर पाएगा, या तो अपने आर्म्स एंड लेग्स को जो है एक तरीके से मूव नहीं करवा पाएगा। क्या होता है और कैसे होता है और किस तरीके के होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। व्हेन समथिंग डिस्टर्ब द नर्व सिग्नल्स, कुछ अगर कोई चीज़ें, चाहे वो इंजरी हो, चाहे वो कोई एक केमिकल हो, चाहे कोई एक ऑटोनोम्यूनो डिसऑर्डर्स हो, वो डिस्टर्ब करता है हमारे नर्व सिग्नल्स को मसल्स तक पहुंचने में, तो आप जो है एक्सपीरियंस करेंगे पैरालिसिस की कंडीशंस को। दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एक पूरे बॉडी के रीज़न में ही हो, हो सकता है एक पर्टिकुलर रीज़न में हो आपके, एक पर्टिकुलर नस में हो आपके। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके कारण क्या होगा कि आप अनेबल हो जाएंगे अपनी वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए। वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब आप समझ रहे हो, खाना खाना, घूमना, बात करना, हाथ पैर घुमाना, खेलना, दीज ऑल आर दी वॉलेंट्री मूवमेंट, स्केल्टो मसल मूवमेंट भी हम कह सकते हैं। नाउ कॉमन कॉजेज क्या हैं पैरालिसिस के? सबसे कॉमन कॉज जो है वो है स्ट्रोक की कंडीशन। स्ट्रोक की कंडीशंस के अंदर जो है पेशेंट्स को चांसेस रहते हैं कि उनका जो है पैरालिसिस अटैक होगा। स्ट्रोक की कंडीशंस में क्या हो रहा है कि आपकी ब्लॉकेज के कारण, सेरेब्रल रीजन में ब्लॉकेज के कारण, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की डिफिशेंसी के कारण क्या हो रहा है, नर्व्स की जो डैमेज है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1 सेकेंड में 1 मिलियन नर्व्स जो हैं वो डेथ हो जाते हैं ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। अगर पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया एट अ वेरी इमरजेंसी कंडीशन, तो देर इज़ दी वेरी प्रोमिनेंट चांस कि पैरालिसिस बहुत ही अच्छे खासे बॉडी रीजन में वो डेवलप आउट हो जाए। नाउ द सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल इंजरी अगर कोई हो जाती है, जैसा कि हम सबको पता है सर्वाइकल थोरेकिक लंबर पंच लंबर सर्वाइकल थोरेकिक लंबर पंक्चर एंड कोकीजियल सर्वाइकल थोरेकिक लंबर सैक्रम एंड कोकीजियल, जिसको कि हम कोकेक्स भी कहते हैं, उस पर अगर डैमेज हो जाए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सारे सिग्नल्स जो हैं पूरे बॉडी के पार्ट तक गई हुई हैं, अगर उनकी सिग्नलिंग में डिफेक्ट आउट हो जाए, तो आपकी अगर सेंसरी नर्व काम भी कर रही है तो मोटार नर्व की फंक्शनिंग नहीं करेगी एंड इट लीड टू द कंडीशन ऑफ पैरालिसिस। नर्व डिसऑर्डर हो सकता है कि नर्व की डिसऑर्डर हो जाए, नर्व ऑटोइम्यूनो डिसऑर्डर की कंडीशन हो गई, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन बहुत ही प्रोमिनेंट है। बेल पैल्सी जो कि एक तरीके का टेम्प्रोरी फेसियल पैरालिसिस है, जो कि अभी भी इनिशियल देखा गया था कि इन द रीजन ऑफ इसराइल एंड ऑल दैट, वैक्सीन देने के बाद जो है फेसियल पैरालिसिस देखा जा रहा था 3-4 दिन के लिए। पैराप्लीजिया की कंडीशन, जिसको कि हम कहते हैं जो आपका दोनों पांव है वो उठेगा ही नहीं, आप उठा ही नहीं पाइएगा, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ पैराप्लीजिया। क्वाड्रीप्लेजिया अफेक्ट ऑल लिम्ब्स, सिर्फ पैर को नहीं, हाथ को भी अफेक्ट करेगी। पैरा मतलब दो, बोथ लेग, क्वाड्रीप्लेजिया मतलब चार मतलब दो हाथ दो पैर, ठीक है। नाउ
व्हाट आर द डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ पैरालिसिस। कुछ पर्संस के अंदर, कुछ पीपल्स के अंदर टेम्प्रोरी पैरालिसिस होती है एंड वो रीगेन कर लेते हैं पार्शियल, और या तो पार्शियल मूवमेंट को रीगेन कर लेते हैं या फुल मूवमेंट को ओवर द टाइम पीरियड रीगेन कर लेते हैं थ्रू देयर फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी। फॉर एग्जांपल लाइक बेल पैल्सी जो होता है, पैरालिसिस होती है, फेशियल पैरालिसिस जो होती है, एक तरीके का टेम्प्रोरी पैरालिसिस है फेशियल मसल्स का, वो हम रिकवर कर सकते हैं ईजिली। पैरालिसिस इज द नेम, पैल्सी इज द नेम ऑफ पैरालिसिस एक्यूम्पनाइड बाई ट्रेमर। इंजरी के कारण, ट्रेमर के कारण अगर कोई पैरालिसिस हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैल्सी, शॉर्ट वर्ड। परमानेंट पैरालिसिस मीन यू नेवर रीगेन द मसल कंट्रोल। परमानेंट पैरालिसिस अगर हो गई तो आप जो मसल की कंट्रोल है वो कभी भी रीगेन नहीं कर पाएंगे उस प्रोमिनेंट लेवल तक, उस थ्रेशोल्ड तक, और वो कंडीशन जिसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल हो जाता है। वैसा नहीं है कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो जो है वो पैरालिसिस हो गया है और वो धीरे 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 उठने की कोशिश कर रहा है, एक एक पैर हिला रहा है, वो सही हो गया। दैट इज़ नॉट द केस। वो फिल्म है, वो रील है, वो रील ही रहेगा, रियल लाइफ थिंग इज़ डिफरेंट। ओके, सो पैरालिसिस कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी को एक तरीके से अफेक्ट कर देता है। पहला, इट कैन बी पार्शियल पैरालिसिस, मतलब यू कैन कंट्रोल सम मसल बट नॉट ऑल ऑल। जैसे हाथ की पैरालिसिस है, अगर मान लो पार्शियल पैरालिसिस हो गई, हो सकता है कि आपका दो जो आपका फिंगर है वो काम ना करे, बट थ्री फिंगर्स विल वर्क, सो दैट इज़ द पार्शियल पैरालिसिस। कंप्लीट, यू हैव नो कंट्रोल ओवर एनी मसल्स, अगर यही हाथ की जो पैरालिसिस हो रही है वो कंप्लीट हैंड में हो जाए तो एक भी मसल्स पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, उसकी मूवमेंट भी आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। पैरालिसिस कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन इंटू टू टाइप बेस्ड ऑन द साइट ऑफ इंजरी इन द नर्वस सिस्टम। दो तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन इंटू टू टाइप बेस्ड ऑन साइट ऑफ इंजरी। फ्लैसिड, योर मसल गेट फ्लैबी एंड श्रिंक, आपकी फ्लैजिक हो सकती है जिसमें फ्लैबी और श्रिंकेज हो जाएगी मसल्स के अंदर। एक होती है स्पास्टिक, जिसको कहते हैं मसल जो है बहुत ज़्यादा टाइटन हो जाएगी, स्पाज्म आ जाएगा, कॉजिंग अनकंट्रोलेबल जर्क एंड स्पाज्म। सो जर्क, झंझनाहट जैसी रहेगी, और स्पाज्म रहेगा, ऐंठन जैसी रहेगी, जिसको कि हम स्पास्टिसिटी भी कहते हैं। नाउ व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ मसल्स पैरालिसिस। सो लोकलाइज्ड पैरालिसिस जो होती हैं वो अफेक्ट करती है स्मॉल लोकल सेक्शन को, जैसे हम बोलते हैं ना लोकल एनेस्थेटिक, एक पर्टिकुलर रीजन में एनेस्थीसिया की कंडीशंस को इंड्यूस करती है, वैसे ही लोकल पैरालिसिस मतलब कुछ स्मॉल सेक्शंस ऑफ बॉडी पे एक तरीके से अफेक्ट कर रही है। ये मोस्ट कॉमनली हमारे फेस, हैंड, फीट और वोकल कॉर्ड्स के अंदर होती हैं। जनरलाइज्ड पैरालिसिस जो होती है वो हमारे लार्जर एरिया को अफेक्ट करती हैं, एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है कैटेगराइज करता है जनरलाइज्ड पैरालिसिस को बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ पैरालिसिस। कैसा वो पैरालिसिस है उस लेवल को, जनरलाइज्ड पैरालिसिस की लेवल को डिसाइड कौन करेगा, वो करेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर। डाइप्लेजिया की कंडीशन जो है, पैरालिसिस अकर ऑन द सेम एरिया ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल पैरालिसिस अफेक्ट बोथ आर्म, बोथ लेग और बोथ साइड ऑफ द फेस। सो डाइप्लेजिया का मतलब हो गया कि दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों फेस के रीजन में आपको पैरालिसिस हो गई है, सो दैट कंडीशन वी कॉल इट एज द डाइप्लेजिया। हेमिप्लेजिया पैरालिसिस जो कि एक साइड ऑफ द बॉडी को डिनोट करती है, कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, एक साइड ऑफ द बॉडी को ही अफेक्ट हुई है, जैसे आर्म और लेग ऑन द सेम साइड को अफेक्ट हुई है। मोनोप्लेजिया मतलब यू कांट मूव वन लिम, सिर्फ एक पैर या एक हाथ में अगर आपको पैरालिसिस हुई है तो उसे हम कहते हैं मोनोप्लेजिया। सो डाइप्लेजिया दोनों तरफ, हेमिप्लेजिया एक साइड में, एक ही तरफ में सारी चीज़ें हुई हैं, मोनोप्लेजिया मतलब एक पैर या एक हाथ में हुई है। पैराप्लेजिया की जो कंडीशन है उसे हम कहते हैं पैरालिसिस, जो कि एक तरीके से अफेक्ट कर रही है बोथ लेग एंड समटाइम द टॉर्सो रीजन। तो
इस रीज़न को अगर अफेक्ट कर रही है तो हम पैराप्लेजिया कहेंगे। क्वाड्रीप्लेजिया की कंडीशन, जिसको कि हम टेट्राप्लेजिया कहते हैं, वो पैरालिसिस होती है जो इन्वॉल्व पूरे लिम्स को, इन्वॉल्व हाथ पैर चारों चीज़ों को। पीपल जो भी क्वाड्रीप्लेजिया से, मे हैव लिटिल और नो मूवमेंट फ्रॉम द नेक डाउन, खुद से वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्हील चेयर पर भी वो काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका फिंगर तक नहीं काम करेगा, न पैर काम कर रहा है। सो इन दैट कंडीशन वी नीड सम पीपल हु टेक केयर ऑफ दैट पेशेंट, एंड दे नीड अ वेरी प्रोमिनेंट फिजियोथेरेपी सो दैट द पैरालिसिस गेट रिड्यूस्ड टू द पार्ट ऑफ हेमीप्लेजिया कंडीशंस और टू द पार्ट ऑफ मोनोप्लेजिया कंडीशंस। सो उसके लिए फिर एक तरीके से काम करना पड़ेगा। सो ये सारी जो हैं एक तरीके से कंडीशंस होती हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। अभी इसका दोनों पैर जो है, ये पहला फिगर देखिए, दोनों पैर अफेक्टेड हैं, दोनों पैर एक तरीके से अफेक्टेड है। तो एक तरीके से आपका क्या है, ये कंडीशन जो है आपका पैराप्लीजिया की कंडीशन है। इस आदमी का भी वही है कंडीशन है कि दोनों पैर अफेक्टेड है, तो इसका भी वही पैराप्लीजिया की कंडीशन है। इस जो जूता पहना हुआ है वो उस आदमी का, देखिए आप, एक पैर जो है वो अफेक्टेड है, वो एक तरीके की कंडीशन है मोनोप्लेजिया की। और ये देखिए इसका हाथ चल रहा है, हाथ चल रहा है का मतलब है कि, और एक हाथ चल रहा है, इसमें तो एक ही हाथ देखा है, मान लीजिए कि हम मानते हैं कि एक हाथ चल रहा है, तो एक हाथ एक पैर चल रहा है, तो पैरालिसिस क्या कर रही है, वन साइड ऑफ द बॉडी को अफेक्ट किया है, जो कि कंडीशन है हेमीप्लेजिया की। सो ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशंस में पैरालिसिस की कंडीशंस होती हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, सो दैट और लोग इस वीडियोस के कारण इस चैनल के साथ जुड़े और लोग सब्सक्राइब करें, एंड अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू कंटिन्यू योर सपोर्ट ऑन फार्मेसी एक्सप्रेस इंडिया चैनल। थैंक यू।